मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हम ये देखना चाह रहे हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसलिए हम ये दो एक्सट्रीम वाले सेल लेके आए ताकि हमें पता चले कितने क्या डिफरेंसेज हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर है, फर्स्ट वन इज वाटर, ये दोनों में ही कितना है 70%, ये एवरेज हम रखते हैं 70%। उसके बाद प्रोटीन्स हैं दूसरे नंबर पे हमारे पास, प्रोटीन जो है ना जनाब यहाँ पे 15% है और यहाँ पे जो है ना वो 18%। इसका मतलब है प्रोटीन जो होती है ना ये ज़्यादा डिजाइन होते हैं, हार्मोन होते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं, वीडियो होती है। हाँ जी, प्रोटीन मेटाबॉलिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हैं इसलिए मैमेलियन सेल में ज़्यादा है, क्योंकि मैमेलियन सेल ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म है। तीसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स, जो यहाँ पे 3% हैं और यहाँ पे 4%। चौथे नंबर पे यहाँ पे हमारे पास हैं जी लिपिड्स, जो कि यहाँ 2% हैं और यहाँ पे ये 3%। उसके बाद हमारे पास डीएनए, आरएनए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए जनाब 1% है और यहाँ पे 0.25% है, ये सेल के प्रोपोर्शन के, सेल के प्रोपोर्शन से मुताल। आरएनए यहाँ पे 6% है और यहाँ पे 1.1%। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक है वो जनाब 1% है और यहाँ पर भी 1% है। इनऑर्गेनिक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये आयंस हैं। तो ये जनाब एक टेबल है, ये टेबल जो है ना ये पैसे को रिप्रेजेंट करता है। अदर ऑर्गेनिक में एंजाइम आ जाएंगे, हार्मोन आ जाएंगे, मेटाबोलाइट्स आ जाएंगे। ये टेबल आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है टेबल के अंदर ड्रा कंपैरिजन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बिटवीन बैक्टीरिया एंड मैमेलियन सेल, इट इज इम्पोर्टेंट आप इसको याद रखना है। तो एक चीज तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर तीन केमिकल कंपोनेंट जो आपने यहाँ पे देख ली है, जिनको हमने यहाँ पे डिस्कार्ड किया। अब दूसरी चीज की तरफ हम आते हैं, वो है केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक प्रोसेस जिन्हें हम कहते हैं। अब हम उनकी तरफ आते हैं, दूसरे से की तरफ।
अब दूसरा कम दूसरा ये दूसरी बात जो बायो केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर थी वो थी मेटाबॉलिक क्लास मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म ऑल सॉर्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन
इम्पोर्टेंस ऑफ कर्म। कर्म क्या है? कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है और होती है बाकी
तो कार्बन की जो एबिलिटी है जिसमें कार्बन एक से ज्यादा बॉन्ड और एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड बनाता है उससे डिफरेंट वैरायटी कंपाउंड की एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती है। चौथे नंबर पे आती है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री। कार्बन कंपाउंड डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। दे कुड बी अनब्रांच, ठीक है, स्ट्रेट चेन लाइक दिस, these are straight chain, unbranched, would be branched, branched हो सकते हैं, would be branched का अगर मतलब यहाँ पे branched हो सकती है। Now this is a branch. A branch could be ringed one. Ring हो सकते हैं। Could be ringed one. ये रिंग है, ठीक है, दिस इज रिंग। अच्छा जी, तो चार बातें ये हो गई जो बैटरी आप आगे नहीं कर पाओ। ज्योमेट्री के बाद आती है जी कार्बन बॉन्ड अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ कार्बन के बॉन्ड। अच्छा ठीक है, ज्योमेट्री के बाद हम डिस्कस करते हैं कार्बन बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। आपका दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। अब आप अंदाजा करें कि कार्बन कार्बन के जो आपस में बॉन्ड है उनकी वैरायटी का आपने अंदाजा किया कि कितने ज्यादा तादाद में कितने ज्यादा टाइप्स में मॉलिक्यूल बन सकते हैं। इस तरह जब कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो अब आप बहुत आगे तक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बॉन्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है,
जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बांड होंगे उसमें एनर्जी स्टोर होगी, और जितने ज्यादा होंगे उसमें एनर्जी उतना ज्यादा होगी। जैसे लिक्विड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी लिक्विड्स में, फिर कार्बोहाइड्रेट में है, प्रोटीन में भी है। कार्बन ऑक्सीजन बांड, ये बांड कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए मोनोमर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उसको आपस में जोड़ने के लिए कार्बन ऑक्सीजन बांड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। तीसरा नंबर कार्बन नाइट्रोजन बांड है, जिसे हम सीएम लिंक भी कहते हैं, ये बांड पेप्टाइड बांड कहलाता है। क्या कहलाता है? पेप्टाइड बांड। और ये प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स को जोड़ने के काम आता है, दिस फाउंड इन प्रोटीन्स एंड अटैच प्रोड्यूस। साफ आवाज नहीं आ रहा है, साफ नहीं आ रही है आवाज, दुआ करें साफ हो जाए, नेट प्रॉब्लम हो सकता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना ये प्रोटीन्स में हंसा है, अमीनो एसिड वापस में जुड़ता है। इसके अलावा कार्बन के बॉन्ड फास्फोरस के साथ हो सकते हैं, सल्फर के साथ हो सकते हैं। कार्बन बॉन्ड की बात होगी, अब हम आते हैं कार्बन के मॉलिक्यूल्स पे। नंबर सिक्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दो तरह के हैं, मोनोक्लोराइड माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड अदर्स आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल आर दोज विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट्स, मैक्रोमॉलिक्यूल आर दोज विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट्स। माइक्रोमॉलिक्यूल आर दोज विच आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे ग्लूकोज है ये वाटर सॉल्युबल है, अमीनो एसिड वाटर सॉल्युबल है, न्यूक्लियोटाइड भी सॉल्युबल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल जो है ना ये मोस्टली ये हैं ही इनसॉल्युबल, मोस्टली क्या ये इनसॉल्युबल है, ये डिसॉल्व नहीं होते। माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं ना ये दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ये एनर्जी देते हैं। जबकि ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सेल स्ट्रक्चर, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कंडेंस करते हैं और ये मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल जो है ना ये स्टोरेज कंपाउंड्स हैं। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं, जब जरूरत पड़े तो ये हाइड्रोलाइज होके माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। एग्जांपल्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, एफ एसिड्स और फैटी एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, जैसा कि एटीपी है, एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड।
ATP, ADP, AMP, nucleotides. इनकी एग्जांपल में आपके पास आएंगे जी स्टार्च, प्रोटीन्स यानी कि हीमोग्लोबिन है जिसका, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड मतलब जैसे डीएनए है या आरएनए, ये कहलाते हैं जी ऑर्गेनिक माइक्रो तंतु. ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन एक लॉन्ग क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन जो है ना, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है जी. आपने इसको जो है ना वो याद करना है. लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पिक्चर में इसकी बना के आपको भेज देता हूँ. पढ़ना आपने टेक्स्ट बुक से है, जो लाइन समझ में ना आए वहाँ से अंडरलाइन करके पिक्चर बना के मुझे सेंड किया. ठीक है ना, जो लाइन समझ ना आए. और अगर आपको टेक्स्ट बुक की समझ नहीं आती तो रियाज उल अकरामे की बुक ले लें, की बुक. ठीक है, डॉक्टर रियाज अली के नाम से अच्छी बुक है. लेकिन आपने याद टेक्स्ट बुक से करना है. ई बुक सिर्फ समझने के लिए होती है. ठीक है ना, सिर्फ समझने के लिए, उसे याद नहीं करना होता. याद आपने टेक्स्ट बुक से करना है. तो मैं इसकी पिक्चर बना लेता हूँ या आपको सेंड कर देता हूँ. ओके जी, डॉक्टर बायोलॉजी. प्रोफेसर रियाज अली. अल्लाह हाफिज़.